12 नंबर क्वेश्चन है, सिट्स बाथ सहायता करता है, किसमें सहायता करता है सिट्स बाथ, किसमें? ए ऑप्शन हो जाएगा रक्त परिसंचरण में, बी ऑप्शन हो जाएगा मल निस्तारण में, सी ऑप्शन हो जाएगा घाव के भरने में, डी ऑप्शन हो जाएगा वेजाइनल डिस्चार्ज में। किसमें सहायता करता है आपका? घाव भरने में, सहायता में, सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गठिया सूजन क्या क्या बताती है? अगर किसी बच्चे के पैर में मतलब गठिया सूजन हो तो आप क्या समझेंगे उससे? ये ऑप्शन में यकृत बीमारी, वृक्क बीमारी, कुपोषण, चोट। तो क्या समझे कि आप इससे इसे आप समझेंगे क्या? कुपोषण, ये कुपोषण का लक्षण है, सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रॉम क्यों महत्वपूर्ण है? नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रॉम क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु, बी ऑप्शन हो जाएगा स्वस्थ रहने हेतु, सी ऑप्शन मानसिक विकास हेतु, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयोग सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट। 15 नंबर क्वेश्चन कौन से हैं? 15 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग उदारी एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है? कौन करता है, कौन करता है? ये डायफ्राम करता है, बी ऑप्शन राइट। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती, क्यों नहीं समाप्त होती? इसमें क्यों नहीं समाप्त होती? 16 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स से हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है, सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक छिद्र रहित बाल्टी किसके लिए निस्तारण में काम में ली जाती है? एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में ली जाती है? 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए ली जाती है ये? सुइयों एवं टूटे एम्पुलस के लिए, डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रेशेदार आहार की कमी, बी ऑप्शन हो जाएगा तरल भोजन कम लेना, सी ऑप्शन हो जाएगा अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत, डी ऑप्शन उपयोग सभी, डी ऑप्शन हो जाएंगे आपके, डी उपयोग सभी। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, क्या कहलाती हैं ये? एरोबिक कहलाती हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, आईएलआर का आदर्श तापमान कितना होता है? ये होता है 2 से 8 सेल्सियस डिग्री, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है, प्रसव का प्रथम चरण क्या कहलाता है? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेबर पेन टू, ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विसंक्रमण के प्रकार हैं, विसंक्रमण के प्रकार क्या हो सकते हैं आपके? ये आपके एक और दो, दोनों, कॉकरेट हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, एक और दो दोनों। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे पारिवारिक संबंधी, जीवन लक्ष्य संबंधी, शारीरिक कारक,
उपयोग सभी, ये आपके हो जाएंगे उपयोग सभी, डी ऑप्शन राइट। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया किससे संबंधित है? प्री एक्लेम्सिया ये हो जाएंगे, ए ऑप्शन में हो जाएगा, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा का होना। बी ऑप्शन हो जाएगा, मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण। सी ऑप्शन हो जाएगा, ANC प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचानी जा सकती है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें क्या सही नहीं है? दांतों की बनावट में खराबी पैदा कर सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा खुशी का स्रोत है, या सी ऑप्शन यह असुरक्षा, यह असुरक्षा का संकेत है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है? जैसे आप किसी गांव में एनम बन के जाती हैं, तो अगर वहां पे पानी मतलब सही नहीं है तो उसको खराब हो जा रहा है बार बार, तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे आप? उसका ऑप्शन है क्या, 26 नंबर, ए ऑप्शन राइट। क्लोरोक्वीन, मतलब क्लोरोक्वीन को डालकर आप, एक अच्छा पाउच में रहता है उसको डाल के आप पानी को शुद्ध कर सकती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है? ये हो जाएगा पार्टोग्राफ कहलाता है, ये ऑप्शन राइट। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है, महिला पुरुष अनुपात है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में महिलाओं के बढ़ने की दर है, सी ऑप्शन में पुरुषों के बढ़ने की दर है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा आपका महिला पुरुष का अनुपात है, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, स्टेपिस हड्डी कहाँ होती है, स्टेपिस हड्डी कहाँ होती है, स्टेपिस हड्डी आपकी कान में होती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है आपका है स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाता है, कैसे किया जाता है? एक कोई आपके यहाँ गर्भवती महिला आई ही, तो किस परिस्थिति में आप उसको अपने केंद्र से, स्वास्थ्य केंद्र से आप उसे रेफर करेंगे, कैसे करेंगे? ये ऑप्शन हो जाएगा सुनाई नहीं देने पर, बी ऑप्शन उसकी बीपी बढ़ने पर, सी ऑप्शन हीमोग्लोबिन बढ़ने पर, डी ऑप्शन फिर सभी केस में आप करेंगे, डी ऑप्शन तीनों ऑप्शन पे आप उसको रेफर करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सी ऑप्शन सत्य है, सी ऑप्शन पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है, पीएचसी है स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है, कौन है, मतलब पीएचसी पर स्वास्थ्य केंद्र का मतलब नेतृत्व कौन करता है, ये आपका ये ऑप्शन है चिकित्सा प्रभाकारी, मतलब चिकित्सा अधिकारी या प्रभाकारी, ये आपका चिकित्सा अधिकारी प्रभाकारी करते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है, प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है, प्लेसेंटा के निकलने के बाद शुरू होती है, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है, वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है, किससे संबंधित है, वार्षिक
पैरासाइट दर संबंधित है, मलेरिया से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ के स्तन में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है क्या है। ए ऑप्शन में जाए माँ का बीमार होना, बी ऑप्शन हो जाएगा माँ के पोषण में कमी होना, सी ऑप्शन हो जाएगा छोटे स्तन होना, डी ऑप्शन आत्मविश्वास का खोना। इसमें क्या हो सकता है आपका कारण, क्या हो सकता है निकारा, नहीं होने का कारण हो सकता है आत्मविश्वास में कमी होने का कारण। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चों को वृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, मातृ पोषण, अनुवांशिक, बी ऑप्शन में अनुवांशिक, सी ऑप्शन में आ जाएगा वातावरणीय, डी ऑप्शन उपयोग सभी। तो इसमें 36 नंबर में कौन सभी हो जाएंगे, उपयोग सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सहेली हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए, कितने रक्त तक खींचना चाहिए 37 नंबर, ये बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी से निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती है, एसटीडी में कौन सी बीमारी आप सम्मिलित करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएंगे सिफिलिस, बी ऑप्शन हो जाएगा गोनेरिया, सी ऑप्शन हो जाएंगे सेक्रॉइड, डी ऑप्शन हो जाएंगे उपेक्षा भी। तो कौन सी आप सम्मिलित करेंगे इसमें 38 में, ये आप उपयुक्त सभी हो जाएंगे डी ऑप्शन राइट। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए एम यू ए सी टैप का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है आपका, ये किया जाता है मध्य भुजा परिधि, ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कौन सा आँख का भाग नहीं है, हाँ कौन सा आँख का भाग नहीं है, कौन सा श्वेत पटल, दृष्टि पटल, रंजक पटल, टिम्पैनी मेम्ब्रेन, कौन सा है ये 40 नंबर, डी ऑप्शन राइट, ये आपका नहीं हो सकता है, बाकी ये श्वेत पटल हो सकता है, दृष्टि पटल हो सकता है, रंजक पटल हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कौन सा आँख का भाग है, इसमें से आपका तीनों में से कोई एक देगा, जैसे श्वेत पटल दे सकता है, दृष्टि पटल दे सकता है या रंजक पटल दे सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अगर नवजात शिशु है उसको HIV से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जैसे हर महिला की HIV के लिए जाँच करवानी चाहिए, HIV संक्रमित माताओं को RT देना चाहिए, सी ऑप्शन में कहता है कि सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि नवजात को निवरापिन की खुराक देनी चाहिए, डी ऑप्शन उपयोग सभी। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपयोग सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएंगे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, बी ऑप्शन नियंत्रण क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, सी ऑप्शन शुभ लक्ष्मी योजना, डी ऑप्शन RCH कार्यक्रम। तो इसमें सी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि शुभ लक्ष्मी योजना नहीं है, बाकी तीनों हैं, जैसे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, बी ऑप्शन क्षय नियंत्रण कार्यक्रम है, डी ऑप्शन RCH प्रोग्राम है।